सो गाइस, आज हम यहाँ पे अनबॉक्स करने वाले हैं, रिव्यू देने वाले हैं ट्रू एयरबड्स, जो कि एक काफ़ी कम प्राइस में अच्छे खासे फीचर्स के साथ आ रही है, ट्रू बड्स F1। और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है मार्केट में और आज हमारे पास है, जिसके साथ हम यहाँ पे आपको चार्जिंग से लेकर हर एक चीज़ प्राइसिंग एक्स्ट्रा के डिटेल्स देने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे लगे तो लाइक, चैनल पर होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसे हम जल्दी से यहाँ पे करते हैं अनबॉक्स। जैसे कि प्रोडक्ट्स के ऊपर में आप यहाँ पे प्राइसिंग्स देख सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्राइस में उनको नहीं मिल पाती है, तो उनका रीज़न है क्योंकि वो फर्स्ट सेल में उसे परचेस नहीं करते हैं, इसीलिए उनको वो उस प्राइस में नहीं मिलती है। तो उसे पाने के लिए आपको हमेशा जो मैं लेटेस्ट न्यूज़ लाता हूँ कि लाइक इस पे सेल्स के एक्सेट्रा के जो भी, तो उस दौरान अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको भी ये इस ऑफ़र वाली प्राइस आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो है अंदर में हमें मिलती है मेन प्रोडक्ट्स एंड इसके साथ ये बिल, तो इसको रखते हैं साइड्स। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी इस तरह की कुछ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन पैकिंग के साथ आ रही है, जहाँ पे ऊपर में ही यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाती है ट्रू बड्स F1। एंड यहाँ पे फर्स्ट स्टेप टू इनिशियलाइजेशन पेयरिंग है। एंड पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन है जो काफ़ी छोटे छोटे हैं, इनको आपको जरूरत नहीं है, जो अभी मैं चल के आगे वीडियोज़ में आपसे भी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सेमलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्सन 5.3 लेटेस्ट पर रन कर रही है, AI पावर्ड है, नॉइस कैंसिलेशन है, 55 ms की अल्ट्रा लो लाइट जो ऑप्शन हैं, 38 आवर्स के यहाँ पे आपको प्लेबैक का टाइम मिल जाता है। तो चलिए इसे हम ऊपर से यहाँ पे जो रैपिंग है इसे भी यहाँ से करते हैं कटआउट। एंड इसके जो भी पावर बैकअप्स की जो बात है वो सारे मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में। जैसे कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कंपनी का एडवर्टीजमेंट कि आपको कुल मिलाकर के 38 आवर्स की मिल जाती है, बट एक्चुअल इसकी क्या होती है, बैकअप, बैटरी बैकअप एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ जो है मैं आफ्टर यूज़ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसके साथ जो है कुछ कार्ड एंड यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है कि USB चार्जिंग जो कि टाइप सी इंटरफेरेंस के साथ आती है, एंड कुछ यहाँ पे एयरबड्स के साथ ये जो पॉप अप होते हैं वो आपको मिल जा रही है। एंड यहाँ पे रही ये प्रोडक्ट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे अब, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आ रही है हमारी बॉक्स। ये रही है बॉक्स। एंड यहाँ पे हमें जो है दो ऐसे एयरबड्स मिल जाते हैं ऊपर में ही इस तरह से, तो इसको हम रखते हैं अभी बॉक्स को साइड में एक्सेट्रा को। एंड ये रही है मेन प्रोडक्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी हमारे यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये 91% अभी इसमें है। एंड इसके चार्जिंग एक्सेट्रा जो भी है वो सारे मैं आपसे डिटेल्स टाइम टू टाइम शेयर करूँगा, जो भी इसके आपको प्रोडक्ट्स जिस साइड के हैं उसको आपको उस साइड में यहाँ पे आपको प्लेस कर लेना है। एंड इसको जैसे ही आप रखेंगे देख सकते हैं यहाँ पर L, एंड इसमें भी यहाँ पर L लिखी हुई है, देन इसका आपको जो है यहाँ पर इसे जस्ट जो है इस तरह से पुट रख देना है। एंड यहाँ पे हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड इधर वाले भी जो है सेम पेयरिंग को जो है ऑप्शंस आपको यूज़ करके इसे ऐसे रख देना है। एंड दोनों जो है इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं 89 अभी हो चुकी है, तो फिलहाल इसको जो है हम फुल्ली चार्ज करेंगे बाद में जा करके। तो अब आती है इसके पेयरिंग के ऑप्शंस की बात, तो इसे पेयरिंग मैं अभी अपने iOS के साथ कर रहा हूँ, इसे मैं एंड्रॉयड के साथ भी इसे कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो ब्लूटूथ ऑप्शन है उसको इनेबल करना है, एंड वहाँ पर आने के बाद जो है आपको इसको सर्च कर लेना है, इस नेम्स को जाकर के आप अपने ब्लूटूथ नेम में भी इसको सर्च कर सकते हैं। सो देख सकते हैं ट्रू बड्स F1 यहाँ पे आ चुकी है, तो इसको हम यहाँ पे पेयर करते हैं। एंड काफ़ी इजीली जो है कनेक्ट हो जाती है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन जो है कनेक्टेड लिख चुकी है, एंड यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। अब इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, जस्ट आप इसको यहाँ से निकालें, निकालने के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब इसे आप कानों में यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जो है फिट हो रही है, एंड इसके साउंड क्लैरिटी जो है काफ़ी मुझे अच्छी लगी इस प्राइस रेंज में, जहाँ पे काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको जो है एक म्यूजिक एक्सपीरियंस एंड साउंड एक्सपीरियंस जो है मिलने वाली है, एंड ड्यूरिंग द कॉल भी जो है काफ़ी अच्छे खासे कैंसिलेशन के साथ आ रही है। कनेक्टिविटी काफ़ी आसानी से हो गई, इसमें कुछ इश्यू नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे टच गेस्चर है जिसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन टैप पे जो है यहाँ से आप इसको पॉज एंड यहाँ पे इसे जो है प्ले कर सकते हैं, एंड डबल टैप करने से जो है ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो यूज़ है उसको आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। एंड और इसी तरह से जो है आप वॉइस असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको होल्ड एंड प्रेस करके रखना है एंड ये एक्टिवेट हो जाती है।
तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आ रही है, जिसमें ये काफ़ी एक अच्छा सा यहाँ पे डिज़ाइन जो है छोटू सा लग रहा है। एंड इसके ऑल ओवर जो चार्जिंग एक्सपीरियंस रहेंगे कि ये कि इसका जो चार्जिंग बैटरी बैकअप क्या रहा एक्सेट्रा जो रियलिटी में है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखना है, ताकि जब भी मैं इस तरह से कोई भी वीडियोज़ लाऊँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।